तो अभी के समय में पूरे इंटरनेट में एक ही नाम चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी है क्या? बेसिकली चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो ओपन एआई ने बनाया है, और जिस तरह से हम ह्यूमंस चैट करते हैं उसी तरह से आप इस टूल की मदद से चैट कर सकते हो। आपके जिसके बारे में, जहाँ के बारे में जो भी पूछना है, जो भी जानना है, सिंपली आपको इसको बोलना है एंड ये आपको बता देगा। तू समझा? और आप में से काफी सारे यूजर्स मुझसे अक्सर Xiaomi MIUI के बारे में कोई ना कोई सवाल पूछते रहते हो, तो सोचा क्यों ना उन सारे सवाल को आज मैं इस चैट जीपीटी से पूछूं एंड देखूं कि चैट जीपीटी इसके बारे में क्या कहता है। ओके, तो चैट जीपीटी के अंदर मैं फिलहाल आ चुका हूं एंड सबसे पहले पूछते हैं, इज MIUI सेफ? साले तू। एंड आप में से अक्सर काफी सारे लोगों के मन में ये क्वेरी क्वेश्चंस आया होगा कि क्या MIUI सेफ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे इसका जवाब आ चुका है, MIUI इज अ कस्टम वर्जन ऑफ एंड्रॉइड डेवलपर बाय Xiaomi। इट इज जनरली कंसीडर्ड सेफ टू यूज, बट एज विद एनी सॉफ्टवेयर देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। इट इज रिकमेंडेड टू कीप योर डिवाइस एंड ऑल एप्स इंक्लूडिंग द वर्जन ऑफ MIUI अप टू डेट विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। एडिशनली बी कॉन्शियस व्हेन डाउनलोडिंग एप्स एंड ओनली डाउनलोडेड देम फ्रॉम reputable sources which as the Google Play Store. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो चैट जीपीटी ने इसका जवाब दे दिया है। बेसिकली इसका यही कहना है कि जैसे कि ये एक सॉफ्टवेयर है, एक कस्टम स्किन है जो कि Xiaomi ने बनाया है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हर सॉफ्टवेयर की तरह इसमें भी रहता है, तो आपको अपने एप्स को इंक्लूडिंग MIUI को अप टू डेट रखना चाहिए एंड कोई ट्रस्टेड सोर्स लाइक गूगल प्ले स्टोर से ही आपको एप्स डाउनलोड करना चाहिए। ये जैसे पता ही नहीं था। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। Should I update to MIUI? अब देखते हैं कि इसका जवाब क्या आता है। Whether or not you should update to MIUI depends on your personal preferences and the current state of your device. Updating a new version of an operating system can bring new feature improvements, but it can also cause compatibility issue with apps and devices. It is generally a good idea to update your device to the latest version of the operating system to ensure that you have the latest security patches and bugs fixes. Additionally, if you are experiencing problem with your current version of MIUI or you want to take advantage of new features and improvements, then updating might be a good option. Before updating, you should backup all important data such as contacts, photos, and documents. Additionally, you should check if your device is compatible with the new version of MIUI and if there are any known issue with the update. Once you have done this, you can then proceed with the update. अरे कहना क्या चाहते हो? ओके, तो इसका भी वही जवाब है कि हाँ, आपको अपडेट करना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बग्स फिक्सेस जो कि अपडेट्स के अंदर होता है। तो अभी जो दो सवाल पूछे गए हैं चैट जीपीटी के जरिए, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी बताया है। बात सही है। ओके, सो नाउ एक और सवाल पूछते हैं जिसके बारे में मैंने काफ़ी समय पहले वीडियो बना के बताया भी था। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी इसका जवाब क्या देता है। Can software update damage hardware? अब आई नो आप में से काफ़ी सारे यूज़र्स इसके बारे में पता ही होगा कि काफ़ी सारे अपडेट्स में फ़ोन के अंदर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, लेकिन इससे पहले मैंने जो आप लोगों को वीडियो बना के बताया था, तो स्मार्टफोन के अंदर सबसे महंगा पार्ट्स होता है मदरबोर्ड, एंड अभी के समय में ये जो मदरबोर्ड डैड वाला प्रॉब्लम है ये कई हद तक बढ़ चुका है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि स्पेशली Xiaomi, Redmi या फिर Poco के फोन्स में एक अपडेट आया और मदरबोर्ड टाटा बाय बाय खत्म हो गया। तो क्या यही मेन रीज़न है, अपडेट से कोई मदरबोर्ड खराब हो सकता है? अगर नहीं होता है तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि चांसेस बहुत ही ज्यादा एक कम है कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट से हार्डवेयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी इसका जवाब क्या देता है। इन जनरल सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर डिजाइन टू बी इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस एंड शुड नॉट कॉज डैमेज टू द हार्डवेयर। However, there is a small risk that an update could cause issues, particularly if there is a problem with your update itself.
इफ योर डिवाइस डज नॉट मीट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर द अपडेट। तो मोटा मोटी इसका वही जवाब है जो मैंने आप लोगों को काफी टाइम पहले बताया था कि अपडेट से कोई भी हार्डवेयर के अंदर डैमेज नहीं होता है, उसका चांस बहुत ही कम होता है। लेकिन हाँ, MIUI के केस में ये जो स्मॉल रिस्क है ये भी काफी बड़ा रिस्क बन चुका है। सही पकड़े हैं। अब नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। अब इस सवाल आप में से काफी सारे यूजर्स मुझसे बार बार पूछते रहते हो कि क्या MIUI के अंदर कोई बग्स कभी फिक्स होगा या फिर नहीं। अच्छा। तो चैट जीपीटी से पूछते हैं एंड देखते हैं कि चैट जीपीटी इसका क्या जवाब देते हैं। ओके, तो Xiaomi लाइक एनी अदर कंपनी विल रिलीज सॉफ्टवेयर अपडेट टू फिक्स नोन बग्स एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ देयर डिवाइस। द फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ दीज अपडेट्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक डिवाइस एंड द सेवरिटी ऑफ द बग्स बीइंग एड्रेस्ड। Xiaomi टिपिकली रिलीज अपडेट्स ऑन ए रेगुलर स्केड्यूल सच इज मंथली और बायो मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स टू एड्रेस नोन वर्नेबिलिटीज। फॉर मेजर बग्स Xiaomi मे रिलीज एंड अपडेट एज सून एज पॉसिबल टू एड्रेस द इशू। इट्स ऑलवेज ए गुड आइडिया टू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ Xiaomi और द MIUI कम्युनिटी फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर अपडेट एंड नोन इशूज। एडिशनली यू कैन ऑल्सो चेक फॉर अपडेट्स on your device by going to settings about phone system updates. However, it is important to note that the timing of fixes for bugs can vary and it's not possible for me to predict when Xiaomi will release a fix for a specific issues. अब इसके बारे में ChatGPT ने भी कह दिया है, इसके बारे में इनको भी कोई नहीं पता। पूरा मूड खराब कर दिया, सोचा था कुछ तो करेंगे। ओके, सुनाओ एक और सवाल पूछते हैं। बेस्ट MIUI वर्जन। कुछ भी। अब देखते हैं कि इसका जवाब क्या देते हैं। ओ ओ, तो क्रिंज इनटू 100 हो गया। तो जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, द बेस्ट वर्जन ऑफ MIUI डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड स्पेसिफिक डिवाइस बीइंग यूज्ड। करंटली द लेटेस्ट MIUI वर्जन ऑफ MIUI इज MIUI 12। और चैट जीपीटी के अंदर एक और लिमिटेशन है कि चैट जीपीटी के अंदर जो भी रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहा है, फिलहाल तो ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है एंड 2021 के पहले का जो डेटा है वो इनके पास अवेलेबल है। तो इसीलिए यहाँ पे MIUI 12 भी शो कर रहा है, जबकि MIUI 13 या फिर MIUI 14 की रिगार्डिंग इसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो MIUI 12 तक ही इसके पास इन्फॉर्मेशन था। और अगर मैं यहाँ पे 5 सवाल जो कि मैंने पूछा है एंड जो अक्सर आप में से काफ़ी सारे यूज़र्स पूछते रहते हो, तो यहाँ पे मोटा मोटी जो आंसर्स मुझे मिला है, ऐसा नहीं कि एकदम एक नया जवाब यहाँ पे मुझे देखने को मिला, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आर्टिकल पे अवेलेबल है, वही सारी चीज़ें अभी फिलहाल के लिए इन्होंने बताया। बाकी अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 लेके आऊँ एंड वहाँ पे कौन कौन से सवाल मैं चैट जीपीटी से पूछूँ, इसके बारे में आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कुछ और डाउट्स है, क्वेरीज है MIUI को लेके, Xiaomi को लेके, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।